आप लोग भी चाह रही हैं कि रमज़ान से पहले पहले आपका फेस वाइट हो जाए, शाइनी फेस हो जाए, तो अरे देरी किस बात की। ऐसा कमाल का होममेड फेशियल लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप रमज़ान से पहले पहले अपनी स्किन को चमका सकती हैं एंड वाइट कर सकती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, आज हम यहाँ पे बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी फेशियल, जो कि बहुत ही कमाल का और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। पहले भी मैं इससे पहले काफ़ी ज़्यादा अपने चैनल पे फेशियल्स वगैरह एंड अदर चीज़ें बता चुकी हूँ, वो भी आप लोगों ने ट्राई की होंगी। अगर आप लोगों ने वो भी चीज़ें ट्राई की हैं तो उनका फीडबैक भी दे दीजिएगा, और साथ ही साथ ये आज वाला जो फेशियल है वो जब ट्राई करेगी तो इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त है एंड लाइव आप लोगों को करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए फिर बिना टाइम जाए के बगैर फेशियल बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए जी, अब स्ट्रॉबेरी फेशियल बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होगी स्ट्रॉबेरी, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ही आ गई है। आप लोगों को चाहिए कि इसको खूब खाएँ, खाने के साथ साथ अपनी स्किन पे भी लगाएं ताकि स्किन भी अच्छी हो जाए और खाने से भी आपको फ़ायदा हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं स्ट्रॉबेरी का क्लींजर। तो ये आपने किस तरीके से बनाना है, आप 3 से 4 पीसेस जो है वो स्ट्रॉबेरी के ले लें और इसको आप दूध में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, जैसे कि मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए जी, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था क्योंकि इसलिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये इजी है, हर बंदा आसानी के साथ इसको कर सकता है, तो जल्दी से आप लोग भी इसको कर ले। तो ये आपका जो है ना वो क्लींजर रेडी हो गया, लेकिन इसमें अभी हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो उसके लिए हमें चाहिए ये क्लींजर जो बनाया हुआ है, इतना सा आप लोगों ने ले लेना जितना कि आपके फेस पर वन टाइम में पूरा आ जाए, तकरीबन इतना सा जो है वो फेस पर पूरा आ जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए बनियाद दूध, ठीक है। बनियाद दूध जो है वो आप लोगों ने लेना है तकरीबन 1 चम्मच, और भर के इसमें ऐड कर देना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने बहुत से फेशियल यूज़ किए होंगे, लेकिन आज आप स्ट्रॉबेरी फेशियल भी यूज़ करके देखिएगा, इससे आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो ये देखिए, क्लींजर हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इसको फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो क्लींजर अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने अपने फेस को वॉश कर लेना है, देन आप लोगों ने इस तरीके से अपने फेस पे क्लींजर को अप्लाई करना है। तो इस तरह से जी अप्लाई करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट इसकी जो है ना मसाज करनी है, बहुत सॉफ्ट हैंड रखते हुए, और देखिएगा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इससे आपको सॉफ्ट लगेगी और एक स्टेप से ही आपकी स्किन जो है शाइन करने लगेगी। जब आप 4 से 5 मिनट इसको मसाज कर लें तो देन आप अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। तो चलिए मैं भी अब वॉश कर लेती हूँ। तो जी ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है वो उतर चुकी है, पता नहीं अब आपको बिल्कुल सही से नज़र आ रही या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा जो डस्ट थी मेरी फेस की वो उतर चुकी थी, ठीक है। और स्किन थोड़ी मुझे ना नीट नीट सी लग रही है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्लींजर के इस्तेमाल करने से ही आपको कितना फ़र्क नज़र आया मेरी स्किन में, इतनी स्किन स्मूथ लग रही है, काफ़ी ज़्यादा नीटनेस आ गई है स्किन में। अब आप आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप भी कुछ इसी तरीके से अब हम बनाने जा रहे हैं स्क्रब। स्क्रब हमें कैसे बनाना है, तो जी चलिए क्लींजर का रिजल्ट तो आपने देख लिया, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है स्क्रब। स्क्रब हमें कुछ इस तरीके से बनानी है। सबसे पहले आपने अच्छा खासा स्ट्रॉबेरी का पीस एक ले लेना है, ठीक है, और इसके ऊपर से ये आपने उतार देना है, ठीक है। इसको उतार दे, थोड़ा इसको सॉफ्ट कर लें, ठीक है। इसको सॉफ्ट करने के बाद हमें यहाँ पर चाहिए सीरीलैक, ठीक है। सीरीलैक जो कि बच्चे खाते हैं वो वाला सीरीलैक आप लोगों ने ले लेना है। तो ये हमारा जो है ना स्क्रब रेडी हो गया। अगर आप इसको इस तरीके से कर लेंगे तो और ही इजी हो जाएगा। तो आपने इसको इसमें डिप किया और स्क्रब करना शुरू कर दिया। तो चलिए मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट अब मैं स्क्रब को अपने फेस पर अप्लाई करवाऊँगी। तो इस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है। जब तक मैं स्क्रब अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लें, एंड जैसा भी आप लोगों को रिजल्ट लगे, अच्छा बुरा जैसा भी, आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है। तो स्क्रब भी आपने तकरीबन इसकी 4 से 5 मिनट करनी है। तो अब हम लास्ट पे यहाँ पे बना लेते हैं मास्क।
ज़बरदस्त सा मास्क बनाएंगे जिससे आपकी स्किन बहुत ही प्यारी हो जाएगी। उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो आप लोगों को जाना है पंसार की शॉप पे और उसको कहना है कि हमें दे दे सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर आप लोगों ने ले लेना है पंसार की शॉप से, इजीली आपको मिल जाएगा। एक चम्मच का चौथाई हिस्सा आप लोगों ने ले लेना है सैंडलवुड पाउडर। उसके बाद जी आपने ले लेना है एक चम्मच बड़ा वाला बड़के बेसन, ठीक है, और इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद जी ये जो हमने क्लींजर बनाया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा था क्योंकि दोबारा से हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी, तो इसमें आपने इतना ऐड करना है जिसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है, एक अच्छा सा मास्क रेडी हो जाए। तो ये देखिए जी मैंने इसको मिक्स कर लिया और ये बहुत ही अच्छा मास्क रेडी हो गया। इससे आपके ओपन पोर्स जो है मिनिमाइज हो जाएंगे, स्किन पे नेचुरल ग्लो आ जाएगा और स्किन इतनी प्यारी हो जाएगी कि आप लोगों ने इससे पहले भी मेरे चैनल से काफ़ी ज़्यादा फेशियल्स यूज़ किए होंगे, वो भी मैं आपको शो करवा दूँगी स्क्रीन पर, और देख लीजिएगा मुझे और बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों ने इनमें से कौन कौन से फेशियल ट्राई करके अपनी स्किन को वाइट किया है। और हाँ, आज वाला ये फेशियल भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे इसका फीडबैक भी आप लोगों ने ज़रूर देना है। तो चलिए अब मैं फेस पे मास्क अप्लाई कर लेती हूँ। कोई भी फेशियल हो, कोई भी ब्लीच हो, उसके बाद फेस पे मास्क अप्लाई करना तो बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि ये हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और हमारी स्किन को यंग रखता है, इससे हमारी स्किन टाइट हो जाती है। तो आप जो हमने मास्क बनाया हुआ उसको अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैंने मास्क अप्लाई कर लिया है। अगर आप फुल फेशियल नहीं यूज़ करना चाह रही तो आप जो मास्क है ये आप डेली यूज़ कर सकती हैं। जब तक मैंने ये मास्क अप्लाई किया है ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में जो है ड्राई हो जाएगा, गर्मी है जल्दी भी हो सकता है, तो जब ये ड्राई होगा फिर आपने अपने फेस को वॉश करना है। तो जब तक मैंने इसको फेस पर लगाया, साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें गाइड कर देती हूँ कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हर एज वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उससे ये होगा कि आपकी स्किन का ऑयल ख़त्म हो जाएगा। इस फेशियल को अगर आप वीक में 2 बार और महीने में 6 से 7 बार अगर कर लेती हैं तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी फेशियल से आपका रंग वाइट हो जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप चाह रही हैं कि जल्दी से आप अपनी स्किन को चमका लें तो रमज़ान करीब है, रमज़ान आने वाला है और स्ट्रॉबेरी का भी सीज़न है, तो जल्दी से आज ही ये फेशियल ट्राई करें और अपनी स्किन को वाइट करें। तो मैंने अपने फेस को नीट कर लिया, इस टाइम मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, बहुत खूबसूरत सी मुझे लग रही है, वाइटनिंग भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे कि मेरी स्किन आप लोगों को इस टाइम कैसी लग रही है, इसका फीडबैक आप लोगों ने मुझे ज़रूर देना है और ख़ुद पे भी ट्राई करके मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है। मैं आप लोगों का वेट करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।